हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति रेनबो लाइफ बाय प्रीति से। मौत हो जाती है, उसके बाद आत्मा की तड़प क्या होती है, आत्मा क्या फील करती है, ये आपने किसी से सुनी है? और यदि नहीं सुनी तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मरने के बाद जो आत्मा किस तरह से तड़पती है और किस तरीके से उसको महसूस होता है। यदि आप ये समझना चाहते हो तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, बहुत साल पहले की बात है। जब नई नई मेरी शादी हुई थी तो मैं बीमार थी, तो अचानक मैं क्या देखती हूँ कि मैं अलग खड़ी हुई हूँ और मेरी बॉडी एक से बेड में पड़ी हुई है। मेरे हस्बैंड बॉडी को खूब जोर से हिला रहे हैं कि उठ प्रीति, क्या हुआ तुझे, उठो उठो प्रीति, और बहुत जोर जोर से हिला रहे हैं और खूब रोते जा रहे हैं और मुंह से सांस दे रहे हैं, सीने में पंपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं कि उठ प्रीति उठ, क्या हुआ तुझको। और मैं यहाँ पर इनको मैं अपने हस्बैंड को रोता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। उनके आँख से टप टप बिल्कुल धार, मैंने आज तक अपने हस्बैंड को रोते नहीं देखा था। मैं अपने हस्बैंड को रोते हुए देखती जा रही हूँ, उनकी आँखों से आंसू बहते जा रहे हैं। उनको चुप करने की कोशिश कर रही हूँ कि गलू मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ, ये पता नहीं क्या है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। और मैं जब उनको टच करने की कोशिश करती हूँ तो मैं टच नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको छूने की कोशिश करती हूँ तो नहीं छू पा रही हूँ। मैं उनको चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ लेकिन वो मुझे नहीं सुन रहे। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं भाग भाग करके घूम रही हूँ कि कोई तो सुन लो, कोई तो सुन लो। दौड़ के जाती हूँ अंदर की तरफ, मम्मी लो लेटी हुई है और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो लेटी हुई है। मैं उनको हिलाने की कोशिश करती हूँ, उठो गल्लू रो रहे हैं, सुनो गल्लू रो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। और मैं कोई किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं फिर भाग भाग करके या करती हूँ, फिर अचानक ये उठते हैं, सब कुछ करके थक जाते हैं, उठते हैं, दौड़ के अंदर जाते हैं, मम्मी से कहते हैं मम्मी प्रीति नहीं रही, मम्मी प्रीति। मैं सोचती कि अरे मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मैं कैसे नहीं रही, ये क्या हो गया इनको, इनको क्या, ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मुझे क्या हुआ है, मैं कैसे नहीं रही। मम्मी कहती हट, ये नहीं हुआ और ये नहीं हो सकता। दौड़ते हुए सौर सब लोग आते हैं और मुझे मेरी बॉडी को खूब जोर जोर से हिला रहे हैं, बहुत जोर जोर से, और कि उठो उठो उठो। मैं सबसे कह रही हूँ कि वो कुछ नहीं है, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, सारे लोग रो रहे हैं और कि इसको क्या हो गया, क्या हो गया, हाय रे अब मेरे को इतना तकलीफ हो रही है कि भगवान मैं करूँ क्या, मैं कैसे इन लोगों को, ये लोग मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहे, मैं तो जिंदा हूँ, ये लोग मुझे मरा क्यों समझ रहे हैं, हाय राम ये मुझे जला देंगे, अब क्या करूँ मैं। जल्दी से मेरे फादर इन लोग पुलिस में थे तो थाने में बैठे हुए थे, तो ले घर नहीं आए हुए थे, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई चारा नहीं है, कोई मुझे नहीं सुनेगा। और मैं उसने सोची सब लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे पागल घोषित कर देंगे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। गाड़ी के ऊपर आकर के उसको धक्का देने की कोशिश कर रही हूँ तो भी कुछ नहीं कर पा रही। फिर मैं सोचती शायद यदि मैं हूँ तो मैं बाहर निकल आई हूँ बाई मिस्टेक, तो मैं इसके अंदर घुसने की कोशिश करती हूँ, मैं उसके अंदर घुसने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ना ही मैं जिस तरह से लेटे होते मैं उसके ऊपर लेटने की कोशिश करी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। मैं दौड़ती हुई गई फादर इन लॉ, जब थाने में कुछ काम कर रहे थे, आए नहीं थे घर, तो थाने में ही घर था हमारा। दौड़ती हुई गई अपने फादर इन लॉ से बुला रहे कि मैं उनको पिताजी बोलती हूँ, पिताजी उठिए, पिताजी चलिए घर, सब लोगों को कुछ हो गया है, सब लोगों को कुछ हो गया है और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और मैं रोती जा रही हूँ, खूब रो रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर इन लॉ ही मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं, प्यार करते हैं। आप समझ नहीं सकते कि मुझे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और किस तरह से मैं फील कर रही थी बता नहीं सकती। दौड़ती हुई गई कि उठिए चलिए, सब लोगों को घर में समझाइए कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और वहाँ पर भी कोई नहीं सुन रहा है, पिताजी ने भी नहीं सुना। और फिर मैं घर आई हूँ, पूरे घर में दौड़ती हुई घूम रही हूँ, सब लोग उधर लगे हुए हैं बेड में, लेकिन मैं सारे घर में ढूंढती कर रही हूँ, शायद कोई मुझे सुन ले। मैं कुछ सामान फेंकने की कोशिश कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा। और मैं इतनी परेशान थी, मुझे लगा कि सब लोग मुझे जला देंगे और मैं फिर कैसे
अंदर उसके अंदर जाऊंगी। उतनी देर में मैं ये तो समझ गई थी कि मैं अपने घर से जो बर्डी है मैं उससे बाहर निकल आई हूँ। ये नहीं लग रहा था कि मैं मर गई हूँ, बाय मिस्टेक निकल आई हूँ, पता नहीं सपना देख रही थी तो सपने से निकल के बाहर आ गई कि क्या हुआ, मैं आज तक नहीं समझ पाई। फिर अचानक पता नहीं क्या होता है कि मैं एकदम से मेरी आँख खुल जाती है और ये सब लोग आकर के मुझे चिपका लेते हैं कि मैं अचानक मैं उठ के बैठ जाती हूँ और मैं इतना कस के काँप रही थी, मेरा पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी कि मैं क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं मुझे तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, मैं कहा तुम सब लोग मुझे घेर के क्यों बैठे थे, क्या मैं सपना देखूँ? मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। तो मैंने कहा कि क्या हुआ था सब, तो सबने कहा कि कुछ नहीं, तुम सपने में कुछ बड़बड़ा रही थी, सपने में तुम चिल्ला रही थी, उसकी वजह से हम लोग सब लोग इकट्ठे हो गए और हुआ कुछ नहीं है और तुम आराम करो सो जाओ। और अब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो सपना था या वो हकीकत थी, लेकिन मैंने दिल से महसूस किया कि मौत के बाद की तड़प, तो मौत के बाद तड़प होती है अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए कि सब लोग रो रहे हैं, किस तरह से चुप कराएं इनको, किस तरीके से मनाएं, वो मैंने दिल से महसूस की। तो फ्रेंड्स आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके। बस फ्रेंड यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।